हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण जैसे ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये अनाउंस किया कि 10th के जो एग्जाम है इस बार कैंसिल कर दिए जाएंगे, तो जितने भी 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स थे उनमें खुशी की लहर आ गई। सो दोस्तों, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए काफी सारे स्टेट बोर्ड्स ने भी ये फैसला लिया कि 10th बोर्ड को कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, CBSE शायद सख्ती के मूड में है। अब उन्होंने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो शायद 10th स्टूडेंट्स को पसंद ना आए। जी हां दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स प्रमोट नहीं किए जाएंगे। सही सुना आपने, पॉलिसी के आधार पर यह तो अनाउंस किया गया था कि जी जितने भी 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसा फार्मूला CBSE लेके आया है जिसके आधार पर ही जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा और बच्चों की मार्कशीट भी बन के आएगी और उस पे मार्क्स भी बन के आएंगे। सो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है, तो उस पे ना एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, पॉलिसी ऑफ टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2021। सो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस नोटिफिकेशन को ओपन किया, देखिए दोस्तों, तो उस पे 17 पेजेस का एक PDF फॉर्मेट अपलोड किया गया है। दोस्तों, 17 पेज का PDF फॉर्मेट, उसमें ना सारा ये प्रोसेस या स्टेप्स बताए गए हैं किस बिहाफ पर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखिए क्या नोटिफिकेशन था, इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ COVID-19 केसेस इन द कंट्री, CBSE वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 14/4/2021 कैंसिल द बोर्ड एग्जाम फॉर द 10th टू बी हेल्ड 4 May to 7 June 2021। कि जी कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए CBSE ने फैसला लिया था कि जो भी 10th के एग्जाम होने वाले थे 4 May से 7 June तक, उनको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन रिजल्ट ऑफ क्लास 10th बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टू बी डेवलप्ड बाय द बोर्ड। कुछ ऑब्जेक्टिव केसेस के आधार पर जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। सो हम जैसे ही नीचे आए, तो नीचे आने के बाद ना उन्होंने एक प्रोसीजर लिखा है, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, द स्टूडेंट विल बी असेस्ड आउट ऑफ मैक्सिमम 100 marks फॉर ईच सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये तो अब CBSE ने बिल्कुल फाइनल कर दिया है कि जो बच्चों की मार्कशीट आएगी उसमें जो नंबर दिखाए जाएंगे ना वो 100 में से ही दिखाए जाएंगे। अब बच्चों के मन में ये बात आएगी पूरी क्लेरिफिकेशन के साथ कि जी पेपर तो हुए नहीं, केवल असेसमेंट ही भेजी गई है, असेसमेंट भी भेजी गई है स्कूल लेवल पर, तो फिर 100 marks का पेपर कैसे बनेगा। देखिए, 20 marks are the internal assessment and the 80 marks are for year-end board examination. मतलब कि जो भी पिछले सेशन में आपके स्कूल लेवल पर एग्जामिनेशन हुए होंगे उसके बिहाफ पर ही पास किया जाएगा। दोस्तों, अब प्रॉब्लम पता क्या खड़ी हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि क्या सारे बच्चों ने वो एग्जाम दिए थे। जिन बच्चों ने वो एग्जाम नहीं दिए थे उनके मन में तो बहुत बड़ा डर आ जाएगा ना कि क्या वो पास होंगे या प्रमोट होंगे या फिर नहीं। तो देखिए रूल क्या बनाया गया है, जैसे हम नीचे आते हैं ना, नीचे दिखाया गया है कैटेगरी ऑफ टेस्ट एग्जाम। सबसे पहले देखिए पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो आपके एक हिसाब से मंथली टेस्ट जिसे हम बोल लेते हैं ना, उसकी बात करें तो उसके जो 10 marks इंक्लूड किए जाएंगे। हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जामिनेशन, जो आपके नवंबर दिसंबर में कंडक्ट किए जाते हैं क्योंकि उस समय जो स्कूल्स थे ओपन हो चुके थे, ठीक है दोस्तों, उसके 30 marks जो ऐड किए जाएंगे। और उसके अलावा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो के जनवरी मिड या फरवरी स्टार्टिंग में शुरू किए जाते हैं, प्री बोर्ड भी स्कूल लेवल पर कंडक्ट हो चुके थे, उसके जो है वो 40 marks इंक्लूड किए जाएंगे और टोटल मिला के हो जाएंगे 80 marks।
80+20 स्कूल असेसमेंट, ठीक है। तो इस बिहाफ पर जो भी बच्चों के मार्क्स होंगे ना, वो 100 में से शो किए जाएंगे। सो दोस्तों, पर प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि जिन बच्चों ने पीरियोडिक टेस्ट या फिर हाफ ईयरली टेस्ट या फिर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दिए ही नहीं, उन बच्चों का फिर क्या होगा? सो दोस्तों, इन्होंने ना बहुत लंबी एक लिस्ट डाली हुई है कि किस बिहाफ पर जो है वो मार्क्स जो हैं उन बच्चों के लगाए जाएंगे। सो जैसे ही हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आने के बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी बताए गए हैं। देखिए, जैसे कुछ ये पॉलिसीज लिखी गई हैं, रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट, इन केस द स्टूडेंट हैज ऑफर डिफरेंट सब्जेक्ट अदर देन द 5 मेजर वंस। मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अदर सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करते हैं अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक एक्सेट्रा। देन मींस मार्क्स ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, मतलब उनके फिर क्या होंगे, जो भी बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे उनको ही इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा ग्रेस के बारे में बताया गया है, बोर्ड की जो पॉलिसी है क्वालिफिकेशन और 10th एग्जाम की, उनके बारे में भी ये बताया गया है। लेकिन दोस्तों, ये जो लिस्ट है ना काफी लंबी है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ये बता दूं, सीबीएसई ने बिल्कुल ये स्कूल्स को हिदायतें दे दी हैं कि जो भी रिजल्ट अब स्कूल लेवल पर बोर्ड को भेजा जाएगा, मतलब सीबीएसई को भेजा जाएगा, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो या फिर हाफ ईयरली टेस्ट हो, उनके जो मार्क्स होंगे प्रॉपर ढंग से भेजे जाने चाहिए। अगर उनमें कुछ जरा सी भी गलती लगती है कि हो सकता है कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ा कर दिए जाएं, तो स्कूल की एफिलिएशन जो है वो भी रद्द हो सकती है। सो इस तरह का एक फॉर्मेट जो है ना वो तैयार किया है सीबीएसई ने। अब दोस्तों, आप ही बताइए कि सीबीएसई का ये जो फॉर्मूला है, देखिए उन्होंने ना एक परफॉर्मा भी अटैच किया है, देखिए स्कूल डिटेल के साथ, और उसमें मार्क्स किस तरह से फिल करने हैं वो भी बताया गया है। दोस्तों, अब आप बताइए, जो 10th बोर्ड कंडक्ट कर रहे थे और जिनको प्रमोट किया गया था, अगर आपने मिड ईयरली जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया ही नहीं, तो आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए अब स्कूल्स जो हैं वो किस तरह से फैसला लेंगे, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ना पूरा, जिसमें पूरी डिटेल्स लिखी गई है, मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही।